नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक। टुडे आई विल गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश लेसन थर्ड लवली क्रिएचर्स। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन चैप्टर अबाउट टेलर बर्ड, चीटल, and this is a question answer of exercise A. Firstly, आप सबसे पहले आप इसे नोट कर लिए। Firstly, you will note down, then I will explain one by one. सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। Question first, how did the tailor bird get its name? Tailor bird को उसका name tailor bird क्यों मिला? The tailor bird got its name from the way it makes its nest. Tailor bird को उसका नाम tailor bird मिला क्योंकि वह अपने nest को खुद से stitch करती है, खुद उसे बनाती है, सिलती है। Question 2. How does the tailor bird stitch its nest? Tailor bird अपना nest कैसे stitch करती है? Stitch means होता है सिलना। Nest means घोंसला। Tailor bird आप जानते हो कि एक bird का name है, तो वो अपना जो नेस्ट है उसको कैसे स्टिच करती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर लंबा है क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि टेलर बर्ड अपना नेस्ट किस प्रकार से स्टिच करती है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट स्टिचेस टुगेदर टू लीव्स और टू एजेस ऑफ द सेम लीव टू मेक अ पाउच। मतलब पाउच, थैला बनाने के लिए वह दो पत्ते को एक साथ उसके एजेस को, उसके किनारे को सिलती है। It uses its bill as the needle. अपने बिल को यानी अपने चोंच को वह निडल के रूप में यूज करती है, सुई के रूप में। And the plant down as the thread. और जो प्लांट है उसको वह थ्रेड के रूप में यूज करती है। It first pokes hole in a leaf. सबसे पहले वो लीफ में, पत्ते में होल करती है, छेद करती है with its bill, अपने बिल से, चोंच से और एज। And pushes the thread through it too. उसके पास से वह उसमें थ्रेड यानी जो धागा वो बनाती है प्लांट का, उसमें वो पुश करती है, ठीक है, उसमें वो डालती है, जो भी वो गोल करती है वहां वो पुश करती है। इट स्टिचेस द लीफ इन मेनी प्लेसेस टू जॉइन द टू लीव्स और एजेस फर्मली टुगेदर। यानी दो पत्तों को आपस में जोड़ने के लिए वह उनमें कई जगह स्टिच सिलती है, उसे कई जगहों से वो सिलती है, उसके किनारों को और भी कई जगहों से, उन्हें दो पत्तों को एक साथ पाउच बनाने के लिए वो उसे सिलती है, फिर वो अपना नेस्ट तैयार करती है। क्वेश्चन 3, वेयर कैन यू फाइंड अ टेलर बर्ड? टेलर बर्ड आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ आप इसे पा सकते हो? यू कैन फाइंड इट राइट इन द ट्री और बुशेस इन योर हाउस और नेबरहुड। आप इसे अपने या पड़ोसी के घर के आसपास जो पेड़ है या जो झाड़ियां हैं उनमें इन टेलर बर्ड्स को पा सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ आर द मेल चीटल्स डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल वंस? यानी जो मेल चीटल्स होते हैं वो फीमेल चीटल से कैसे डिफरेंट होते हैं? द मेल एंड द फीमेल चीटल्स आर डिफरेंट इन द वे दैट द मेल हैव द एंटलर्स एंड द फीमेल डोंट। मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग होते हैं। मेल के जो होते हैं वो एंटलर्स सिंग होते हैं जबकि फीमेल्स के नहीं होते। गॉट इट? क्वेश्चन 5, व्हाट डज अ चीटल डू व्हेन इट स्मेल्स ऑफ अ डेंजर? जब चीतल को डेंजर खतरे की स्मेल आने लगती है, यानी उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जब भी उनके आसपास कोई खतरा हो तो उनको स्मेल यानी उसको उस चीज की खुशबू, गंध पहले ही लग जाती है। तो उस सिचुएशन में चीतल क्या करता है? व्हेन इट स्मेल्स ऑफ अ डेंजर दे आर एबल टू नोटिस प्रीडेटर्स। जब भी उनको खतरे की गंध लगती है तो वो प्रीडेटर्स को नोटिस करने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ कैन यू से दैट द चीतल एंड द लंगूर आर गुड फ्रेंड्स? आपको मैंने इस चैप्टर में
चीतल और लंगूर के बारे में बताया था कि लंगूर और चीतल ये दोनों जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। कैसे होते हैं? चीतल एंड लंगूर आर गुड फ्रेंड्स। चीतल और लंगूर अच्छे दोस्त होते हैं। दे ऑफन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स कैपेबिलिटी। उन्हें अक्सर एक दूसरे की जो योग्यता है उससे उन्हें लाभ मिलता है। द लंगूर हैव अ गुड साइट। लंगूर की जो दृष्टि होती है बहुत अच्छी होती है, यानी कि जो भी प्रीडेटर्स है, जो भी उनका डेंजर है, उसको दूर से ही देख लेता है। वाइल्ड चीतल्स हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। और जबकि चीतल के पास गंध की, यानी जो प्रीडेटर्स की डेंजर की जो गंध होती है, जो खुशबू होती है, उसको नोटिस करने में वो सक्षम होते हैं। इस तरह से दोनों को एक दूसरे की जो कैपेबिलिटीज है उससे बेनिफिट मिलता है और दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर एक्सरसाइज ए ऑफ क्लास एक्सरसाइज ए ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश लेसन 3 इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज बी, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए। पेज नंबर 19 निकालेंगे तो आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, और आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार अच्छे से चैप्टर रीड करिए, उसमें से वर्ड्स ढूंढिए और इसको ब्लैंक्स में फिल करिए। क्वेश्चन सी, एक्सरसाइज सी, राइट टेलर पर और चीतल अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज बी आपको खुद करना है, यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन बी एज वेल एज सी। थैंक यू, दैट्स ऑल।